बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। और फ्रेंड्स, मैं नोट रोली और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अंबेडकर पीपल्स वॉइस को। दरअसल आपको बता दें कि संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर मामले के लेकर पिछले 10 अगस्त को डीडीए की कार्यवाही के बाद उस मंदिर को डेमोलाइज यानी उसे तोड़ दिया गया था, ढा दिया गया था। और इस मामले को लेकर लगातार बहुजन समाज की तरफ से पंजाब बंद, दिल्ली के अंदर आक्रोश रैली सहित कई बड़े बड़े प्रोग्राम हुए। इसी के साथ देश भर के अंदर आक्रोश रैलियां निकाली गई और केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन किए गए। आपको बता दें कि दरअसल इस मामले को लेकर 13 सितंबर यानी कि कल इस मामले की सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस मामले में फिर से सुनवाई होगी। आपको बता दें कि इस डिमोलाइजेशन के बाद कुछ दिन बाद ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से अशोक तंवर, जो कि कभी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष थे और अब वर्तमान में उनको हटा दिया गया है, अशोक तंवर के द्वारा एक याचिका दाखिल की गई थी ताकि इस मामले के अंदर पुनर्सुनवाई हो सके। और इस मामले के अंदर बहुजन समाज के पास, उनका दावा है कि बहुजन समाज के पास इस मामले में 500 से ज्यादा साल पुराने दस्तावेज है। सरकार ने उनकी सही से पैरवी नहीं की, इस वजह से यह ढा दिया गया है। आपको बता दें कि कल सुबह 9:30 बजे बाद इस मामले की हियरिंग होगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है, आगे कब इस पे मामले में सुनवाई होती है, ये तारीख देता है या मामले में ऑर्डर देता है, स्टे लगाता है, ये तो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। लेकिन आपको बता दें कि पिछले 1 महीने से लगातार इस आंदोलन की एक रूपरेखा के तहत जिस तरीके से ये आंदोलन पूरी तरीके से चल रहा है वो अपने आप में दिलचस्प। आपको बता दें कि कल सुबह 9:30 बजे इस मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई है। उधर आपको बता दें कि संत श्रोमणी गुरु रविदास मंदिर मामले को लेकर इसी 13 तारीख की सुनवाई को लेकर बीजेपी ने आश्वासन दिया था केंद्र सरकार खुद इस मामले की पैरवी करेगी। और आपको बता दें कि बहुजन समाज को जो संत है उनको आश्वासन दिया गया है कि 13 सितंबर तक जो केंद्रीय टीम है बीजेपी की, उनकी तरफ से आश्वासन दिया गया है कि 13 सितंबर तक आप शांत रहिए, 13 सितंबर के बाद हम निर्णय लेंगे। तो आपको बता दें कि इसी 13 सितंबर का इंतजार था। और आपको बता दें कि अगर 13 सितंबर यानी कल सुबह बहुजन समाज के पक्ष में ये फैसला नहीं आता या बहुजन समाज के पक्ष में ये जमीन नहीं आती, सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई होती है उसके अंदर बहुजन समाज के पक्ष में कोई ऐसी जानकारी नहीं मिलती है या उन्हें नहीं मिलता है इंसाफ, तो 14 सितंबर को दिल्ली के अंदर एक बड़ी बैठक होगी बहुजन समाज की, जो आगे की दिशा निर्देश जारी करेगी कि आगे दिल्ली किस प्रकार से आंदोलन करने हैं, क्या आंदोलनों को रोकना है या बड़े स्तर पर पैमाने पर आंदोलन होंगे या किस तरीके से ये आंदोलन चलता है, ये देखना दिलचस्प होगा। उधर आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से इसी 13 तारीख का इंतजार किया हुआ है और उन्होंने कहा है कि हम 96 जो साथी गिरफ्तार है उनको भी रिहा करवा देंगे और इस मंदिर के मामले में भी जो कोर्ट है उनके द्वारा ही समाज को जमीन दिलवा देंगे। मिलेंगे किसी नए वीडियो नई अपडेट के साथ और कल भी आप दिन भर हमारे साथ रह सकते हैं। इस मामले की क्या अपडेट आती है हम सबसे पहले आपके साथ लेकर हाजिर होंगे।